पत्नी को ले गया प्रेमी, पति लगा रहा अधिकारियों के चक्कर। जमुना प्रसाद पुत्र थमन लाल निवासी नसरतगंज थाना सिरौली जिला बरेली का है और जमुना प्रसाद पानीपत हरियाणा में रहकर मजदूरी करता था। उसके 3 छोटे बच्चे हैं, उसकी पत्नी घर पर ही रहती है। जमुना प्रसाद की पत्नी को पंकज ठाकुर पुत्र हरनाम सिंह निवासी नसरतगंज थाना सिरौली से नाजायज संबंध है। संबंधों का आरोप लगाते हुए जमुना प्रसाद ने शिकायत की है कि 12 जनवरी 2022 को जब जमुना प्रसाद घर पर नहीं था तब शाम 4 बजे पंकज ठाकुर उसके घर पर आया और जबरदस्ती उसकी पत्नी को अपने साथ ले गया। हमारा नाम जमुना प्रसाद है जी, क्या मामला पूछ रहा हूँ? मामला सर, अपने पंकज हमारी बीवी को ले गया साहब, ये बच्चों ने हमारी लड़की है इसने रोका, उसे चिमटा जला दिया। कब ले गया पत्नी तुम्हारी? ये साहब काफी हो गए, मैं बाहर से आया हूँ साहब, मजूरी करता हूँ अपनी, जैसे हो गया 12 तारीख को ले गया सर, पिछले महीने 12 तारीख इसी में। पहले से आना जाना था उसका? क्यों उसका साहब? मैं तो बाहर आया था घूमने आया था, बच्चों को धमकी देता था, बोलो बच्चों क्या क्या बोलता था पता? तुम बताओ। हाँ, फिर कहने के लिए धमकी देता था, मारने का, घर मत रहना, लड़की को बोलता, लड़की संग जाने को तैयार हुई थी तो उसने चिमटे जला दी लड़की। ये तुम्हारे घर आता था वो, आना जाना था घर आने जाने साहब? मैं तो कभी मोटरसाइकिल ड्राइवर था, मोटरसाइकिल में मैं चला गया बाहर, उसको कभी ले जाते थे लगा कर तो चला गई साथ में। पत्नी कुछ काम करती थी या घर पे रहती थी? घर भी रहती थी साहब। वो क्या करता है? वो PW नौकरा साहब। कहाँ कराने वाला? नसरतगंज। रिश्तेदार तो नहीं तुम्हारा? नहीं, रिश्तेदार कोई, वो ठाकुर है साहब। पत्नी कहाँ रहती तुम्हारी? पत्नी घर पे रहती थी। कहाँ पे घर है? नसरतगंज। नसरतगंज थाना सरौली। पता नहीं लगा उसको कहाँ ले गया? पता नहीं लग रहा साहब, कहीं फरेली ड्यूटी करता है, कहीं होगी उसके पास। तुमसे उसका क्या दोस्ताना हो गया था, क्या हुआ तुम्हारा, कैसे संपर्क हुआ उससे? हमारा कोई संपर्क नहीं है, गांव की बात है साहब। गांव में रहता है? गांव की है साहब। अब आप क्या चाह रहे हो? अब हम साहब चाह रहे हैं साहब, हमारे बच्चे रोटी बनाने वाला कोई भी नहीं है। बीवी वापस आ जा। बीवी वापस आ जा साहब, वो धमकी देता है, मैं अगर किसी कानून किया तो मैं तुम्हें गाँव से छोड़ दूंगा या मार दूंगा।